Kashmakash. भागी हैं जैसे लगता है अपनी मौत से बचकर भागी हैं। देवयानी और मंदिरा, तुम दोनों मुझसे दूर जरूर हो लेकिन अपनी बर्बादी से दूर नहीं। बहुत जल्द अब मयंक तुम लोगों के पास आएगा और फिर वो क्या करेगा ये तो मयंक ही जाने। ये तुमने कैसा फैसला किया है बेटा? तुमने सलाखों के पीछे रहना मंजूर किया लेकिन साहिल को दुनिया के सामने लाना मंजूर नहीं किया। फिर मुझसे झूठ क्यों बोला तुमने? तुम साहिल से मिलकर उसे बात करने की कोशिश करोगी? पापा, दुनिया तो इल्जाम लगा ही रही है, कम से कम आप तो इल्जाम मत लगाइए। ये इल्जाम नहीं है बेटा, तुम्हारे साथ इंसाफ करने की कोशिश है। सबने मिलकर तुम्हारे साथ अन्याय किया है। तुमने मेरे हाथ बांध दिए वरना मैं एक-एक को सबक सिखा दूंगी। नहीं पापा, ऐसे समय में अगर आप धीरज खो देंगे तो फिर मुझे कौन संभालेगा? अब बस आप ही का तो सहारा है मुझे। क्यों? साहिल, साहिल ने क्या कहा? वो वहां होटल में नहीं है, कहीं चला गया है। होटल छोड़कर चला गया है? कहां? पता नहीं पापा, मैं वहां उससे बात करने गई थी तब पता चला। मुझे तो डर है कि कहीं उसके साथ भी कोई अनहोनी। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान ने उसे तुम्हारे पास वापस भेजा है, वो उसे अब दूर नहीं कर सकता। बेटा तुम चिंता मत करो, मैं उसका पता जरूर लगाऊंगा। कहां पता लगाएंगे पापा आप उसका, इतने बड़े शहर में पता नहीं वो है भी या। मेरी किस्मत ही ऐसी है पापा, साहिब मेरे करीब आकर भी दूर हो जाता है। बेटा तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं उसका पता लगा लूंगा, उसे कहीं से भी ढूंढ कर ले आऊंगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसे किसी ने देख लिया हो, उससे बचने के लिए किसी दूसरे होटल में चला गया। हाँ लेकिन वो फोन करके बता तो सकता था कि वो कहाँ है, किस हाल में है, कैसा है। हिम्मत रखो बेटा, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं पहले तुम्हें यहां से रिहा करवाऊंगा, उसके बाद साहिल को तुम्हारे पास लेकर आऊंगा। मैंने वकील से भी बात कर ली है, कल संडे है और परसों गणेश चतुर्थी की वजह से कोर्ट बंद है, उसके बाद तुम्हारी जमानत हो जाएगी। पापा, अगर आपकी साहिल से मुलाकात हो जाए तो आप उसे ये मत बताइएगा कि मैं यहां लॉकअप में हूं, नहीं तो वो परेशान हो जाएगा और मैं नहीं चाहती कि वो मेरी वजह से परेशान हो। वो जिस मकसद से गए हैं उसमें कामयाब होकर मेरे पास जल्दी से लौट आए, बस भगवान से मेरी यही प्रार्थना है। बेटा, भगवान तुम्हारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। और सुनो, मैं साहिल से ये नहीं बताऊंगा कि तुम यहां लॉकअप में रहकर भी
उसकी कामयाबी के लिए दुआ करती रहती हूँ। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई आ गई हो, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम मेरी बेटी हो, इस तरह रोकर खुद को कमजोर मत करो। हमें अपने दुश्मनों को जवाब देना है। अगर तुम ही हार जाओगी तो मैं अकेले कुछ नहीं कर पाऊंगी। आंसू पोंछ लो, अब रोने का वक्त उनका है। आओ बैठो। तो समझ में ही नहीं आ रहा कि ये सब कैसे। जो हो गया उसे याद कर खुद को छोटा महसूस मत करो। मेरी बातों का विश्वास करो। मैंने तुम्हारी बातों का कभी बुरा नहीं माना, क्योंकि मुझे मालूम है तुम इस नागिन के मुंह में फंस गई थी, उसके बनावटी प्यार में अंधी हो गई थी। शिकायत सिर्फ इतनी है कि तुमने मुझे समझने की कोशिश नहीं की। तुम्हें हमेशा यही लगा कि मैं तुम लोगों के बीच दीवार खड़ी करने की कोशिश कर रही हूं। मंदिरा, मैं भी एक माँ हूं। अपने घर की खुशियां भला मैं क्यों छीनूंगी और किसके लिए छीनूंगी? काश मैंने आपकी बातें पहले सुन ली होती, या फिर उस कामया की चाल को पहले समझ गई होती। अब तो मयंक उसके कब्जे में है मम्मा। जानती हूं, और ये भी जानती हूं कि सबके लिए उन्होंने मुझे गुनहगार ठहरा दिया है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि मयंक का अपहरण मेरे कहने पर किया गया है। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि सिंघानिया का कत्ल मैंने करवाया मयंक को फंसाने के लिए। ये सच है कि सिंघानिया को रास्ते से मैंने हटवाया, लेकिन सिर्फ कामिया को फंसाने के लिए। फंस भी गई थी वो, लेकिन बच गई। हाँ, एक फायदा हुआ मुझे कि उसकी सच्चाई तुम जान गई, वरना अभी तक उसके मुंह में फंसी रहती। उसने तो मुझे भी अपने कब्जे में कर लिया था, लेकिन मैं किसी तरह वहां से भाग गई। तुम आ गई, मेरे लिए यही खुशी की बात है। रही बात कामया की, तो कब तक बचेगी वो? मरना तो उसे भी पड़ेगा। लेकिन मामा, मयंक उसका क्या करेंगे हम? उसे कैसे बचाएंगे? वो तो हमें ही दुश्मन समझेगा। यही सोच सोच कर तो मैं परेशान हूं कि उसे कैसे समझाऊं। वो जो कुछ समझ रहा है वो साजिश है। कैसे हमारी बातों पर यकीन करेगा वो? अम्मा, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें और बर्बाद करने के लिए वो मयंक को ही अपना हथियार बना ले? हथियार बना चुकी है, अपनी कामयाबी का मोहरा बना चुकी है वो। बस उसका चाल चलना बाकी है, और मैं ये जानती हूं कि वो क्या चाल चलेगी।
अब वो मयंक को अपने चंगुल से आजाद करवाएगी ताकि वो बाहर निकलते ही मुझे सजा दे। लेकिन मामा, सिंघानिया के हत्या के इल्जाम में पुलिस उसके पास भी आएगी। जानती हूँ मंदिरा, कानून सबूत मांगता है और सबूत मयंक के खिलाफ कर दिया है उसने। चारों तरफ से उसने हमें फंसा दिया है। इसका मतलब हम चाहकर भी कुछ नहीं रोक सकते। मयंक हमें सजा देगा और पुलिस उसे, फिर बचेगा क्या? मंदिरा, सच्चाई यही है। हम चारों तरफ से फंस गए। आने वाले तूफान का सामना हमें करना ही पड़ेगा और इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। इसका मतलब मेरा मयंक फिर मुझसे दूर हो जाएगा? भगवान से प्रार्थना करो, अब तो वही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जिस चक्रव्यूह में हम फंस चुके हैं उसमें से कोई इंसान तो हमें बाहर नहीं निकाल सकता। तुमने मुझे बहुत दर्द दिए हैं, मुझसे मेरी खुशियां छीन ली, मेरा बेटा छीन लिया। अब तो बस उस वक्त का इंतजार है कि तुम इतना तड़पो, इतना रो कि मुझे कुछ सुकून मिल सके, मुझे खुशी मिल सके। और तनु, ये मेरी बद्दुआ है कि तुम कभी सुखी नहीं रहोगी, तुम्हारी जिंदगी में कभी खुशहाली नहीं आएगी। और तुम इसी तरह घुट घुट कर जीने के लिए मजबूर हो जाओगी। तनु, तुम साहिल कहाँ है, कैसा है वो? साहिल इसी शहर में है, तुम परेशान मत हो, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो वहां से इस तरह बिना कुछ बताए क्यों चले गए? दरअसल उसका एक जगह रहना ठीक नहीं है ना, इसलिए उसने होटल बदल दिया। तुम सच तो कह रही हो ना काम्या? तनु मेरा विश्वास करो, साहिल पूरी तरह से सुरक्षित है, वो बिल्कुल ठीक है। तनु, इतना जुल्म क्यों बर्दाश्त कर रही हो? किससे लड़ूं? जुल्म करने वाले भी तो अपने ही है ना। और फिर अगर मैं उनके हर जुल्म का जवाब देने लगी तो साहिल के घर को कैसे बचा पाऊंगी, कैसे पूरा कर पाऊंगी उस फर्ज को जिसे मम्मी जी मेरे सहारे छोड़ गई। सच सच तनु, अगर अपने ही दुश्मन बन जाए तो कैसे लड़ सकता है इंसान? बर्बादी तो अपनों की ही होती है ना। खैर, इन सब बातों को छोड़ो। देखो, तुम साहिल को मत बताना कि मैं यहां हूं, वो बेकार में परेशान हो जाएगा। और फिर जब उसे ये पता चलेगा कि ये सब पूर्वा ने किया है तो वो उसे कभी माफ नहीं करेगा। और मैं नहीं चाहती कि भाई बहन के बीच नफरत की दीवार खड़ी हो। सच कहूं तनु, तुम इंसान नहीं फरिश्ता हो, बल्कि आज के इस जमाने में तुम्हारे जैसा इंसान मिल ही नहीं सकता। तुम त्याग और ममता की वो मूर्ति हो जिसका सिर्फ पूजा जा सकता है। भगवान भी तो इंसान के अंदर ही होता है ना, सिर्फ समझने की जरूरत होती है। मैं ये नहीं कहना चाह रही हूं कि मैं कोई फरिश्ता हूं, मैं तो बस अपने कर्तव्य को पूरा करने की कोशिश कर रही हूं। तनु,
मैं किसी वकील से जमानत की बात करती हूँ। पापा आए थे, उन्होंने बात कर ली है, शायद परसों तक मैं छूट भी जाऊं। लेकिन कामया, तुम एक बात साहिल से जरूर कह देना कि अगर अब उसने आने में और देर की तो अपनी तनु को कभी नहीं पा सकेगा। नहीं तनु, ऐसा मत कहो, साहिल सिर्फ तुम्हारे पास ही आएगा। जानती हो, साहिल मुझे अपने दिल की एक एक बात बताता है, कितना तड़पता है वो तुम्हारे लिए, तुम्हारी दूरी से वो बहुत परेशान है। सच कहूं तो साहिल तुम्हारे बिना अधूरा है। तनु, तुमने कभी सोचा है अगर अगर तुम्हें कुछ हो गया तो साहिल का क्या होगा? तुम्हारे प्यार ने साहिल को जिंदा रखा है। तनु, तुम्हें अपने साहिल के लिए अपने प्यार को जिंदा रखना पड़ेगा। अपना ख्याल रखना। विक्रम जी, मैंने आपको यहां बुलवाया, आपको तकलीफ दी, क्या करूं? मैं जानना चाहती हूं कि मेरी छोटी दुल्हन कैसी है। क्या कहूं दाई अम्मा, कैसे बताऊं मैं आपको कि तनु सलाखों के पीछे कैसी है? दुश्मनों की मुरादें पूरी हो गई, ये घर उसके बिना मुझे खाने को दौड़ता है, कितना सूना लगता है ये घर उसके बिना, क्या करूं? मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही कि मैं उससे जाकर मिलूं। मेरी छोटी दुल्हन सही सलामत तो है ना? अम्मा, अगर मैं ये कहूं कि वो एक जिंदा लाश की तरह है तो गलत नहीं होगा। विक्रम जी, आप मेरी छोटी दुल्हन को जल्दी से ले आइए, मेरे पास वापस ले आइए। दाइमा, परसों तनु जमानत पर छूट जाएगी, उसके बाद मैं आपकी छोटी दुल्हन को आपके पास ले आऊंगा आपकी दुआएं लेने के लिए। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र।